बिल्कुल। तो बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर बच्चों बेसिकली टू कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर बच्चों मैंने कल आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन किया था। फर्स्ट जो बच्चों कैटेगरी होती है, ठीक है, वो कोवेलेंट कंपाउंड के साथ देखने को मिलती है, ठीक है। फर्स्ट तो मैं यहां पे लिखता हूं इन कोवेलेंट सॉलिड, इन कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है, जहां पे कुछ बच्चों स्पेसिफिक एग्जांपल्स आते हैं, जैसे आपका सिलिकॉन, ठीक है, इसके साथ जो कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा, ठीक है। सेकंड बच्चों आपका यहाँ पे जर्मेनियम आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी अकॉर्डिंग हम उन्हीं पे ज्यादा बात करेंगे। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये आपके सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर, मैं लिख सकता हूं प्योर सेमी कंडक्टर, प्योर सेमी कंडक्टर। अगर इसका आप स्ट्रक्चर को देखो तो सिलिकॉन का बेटा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है, ये सिलिकॉन के कुछ एटम्स मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से, और सिलिकेट नहीं हो रहा है ना, सिलिकॉन। अब ये जो सिलिकेंस का आपका, ये जो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बने इस तरीके से, 3D थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, सिलिकॉन यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये आपका प्योर आपका सेमी कंडक्टर है। अभी इम्प्योरिटीज की बात करेंगे तो इसके साथ ना बच्चों हम दो टाइप की डोपिंग कर सकते हैं। पहले तो हम सिंपल सी बात करेंगे इसमें, एक तो बच्चों हम लोग बात करते हैं पी टाइप के बारे में, और सेकंड हम लोग बात करते हैं बच्चों एन टाइप के बारे में, ठीक है, स्मॉल एन, ये ना पी टाइप एंड एन टाइप। तो पी टाइप बच्चों क्या है, एन टाइप क्या है, तो समझेंगे उसको ध्यान से। तो देखो बच्चों, जब हम लोग यहाँ पे पी टाइप के बारे में स्टडी करेंगे, तो जो प्योर बच्चों आपका सेमी कंडक्टर था सिलिकॉन का, और जो जर्मेनियम का, सिलिकॉन का मैंने बताया आपको स्ट्रक्चर, तो हम पी टाइप बच्चों सेमी कंडक्टर का बोल सकते हैं सिलिकॉन के साथ। तो बच्चों सिलिकॉन प्योर जो आपको दिख रहा है उसका तो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया, तो जो सिलिकॉन का जो बच्चों प्योर जो स्ट्रक्चर है, वहां पे सारे के सारे प्योर का मतलब सारे के सारे सिलिकॉन एटम्स है ना, बाकी कोई हेट्रो एटम नहीं है, कोई डिफरेंट एटम नहीं है, ठीक है, सारे के सारे आपके बेटा सेम, सेम का मतलब सिलिकॉन की ही एटम्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बच्चों क्या करा कि यहाँ पे मैंने डोपिंग कराई, और डोपिंग बच्चों किसके साथ कराई वो समझो, तो मैं यहाँ पे डोपिंग करा सकता हूँ बेटा, आपने पढ़ा है थर्ड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, फर्स्ट ए बच्चों एल्कली मेटल, सेकेंड ए कौन सी एल्कन अर्थ मेटल, थर्ड ए बच्चों जिसको थर्ड को अपन लोग 13th ग्रुप भी बोल सकते हैं, ओल्ड मेथड है 13th, न्यू सिस्टम बच्चों है आपका थर्ड, बिल्कुल ट्राइवेलेंट, बिल्कुल हमने सही बताया। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग प्योर सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर है, ये जो एटम्स हैं, उनके साथ बच्चों हम डोपिंग कराएंगे थर्ड ए ग्रुप के साथ। थर्ड ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, जैसे बोरोन आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, है ना, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, पढ़ाता ना हम लोगों ने अच्छे से, बताइए बच्चों। तो जो आपके 13th ग्रुप या जो थर्ड ए के जो ग्रुप्स हैं, इनके साथ बच्चों प्योर सिलिकॉन के साथ हम डोपिंग करा देंगे। तो डोपिंग कराने के बाद बच्चों यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होगी ना वो इंक्रीज करेगी, जब डोपिंग करा देंगे तो कनेक्टिविटी इंक्रीज करेगी, तो क्या होगा स्ट्रक्चर वो समझते हैं। फिर से मैं लेता हूँ इस सिलिकॉन के बच्चों जो बेसिक स्ट्रक्चर थे, ठीक है, ये थ्योरी वाला सेक्शन है बच्चों, बेसिक सा आता है, इसमें अगर क्वेश्चंस आएगा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बनता है ना, जिसको आप तुरंत पकड़ के खा जाओगे, क्वेश्चन को पकड़ के खाना ही है ना, बिल्कुल। तो ये बेटा सिलिकॉन का आपका बेसिक प्योर स्ट्रक्चर है, इसमें से मैंने क्या किया बेटा, एक सिलिकॉन को निकाल दिया, इस सिलिकॉन को निकाल दिया मैंने, और यहाँ बच्चों मैंने एक एल्यूमिनियम को फिट कर दिया, ठीक है, मतलब सिलिकॉन एटम को मैंने बाहर निकाला, और बेटा एक एल्यूमिनियम मैं यहाँ से लेकर आया थर्ड ग्रुप से, या फिर 13th ग्रुप के आपके एलिमेंट, एक मैंने एल्यूमिनियम लाके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इसको बोलते हैं बच्चों डोपिंग। जैसे इसको एंटर कराया, तो एंटर कराने से बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एक रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो बच्चों क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये आपका जो बनेगा सेमी कंडक्टर, ये बच्चों हो जाएगा आपका पी टाइप, बेसिक इंट्रोडक्शन है इसके अंदर पी टाइप। अब बात करते हैं बच्चों एन टाइप ना, इसमें डेप्थ में नहीं है, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत डेप्थ में चीजें मिलती हैं, फिजिक्स के अंदर भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा थोड़ा सा, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, ठीक है, वहाँ पे ज्यादा आपको डेप्थ नहीं मिलेगा, सॉलिड स्टेट में जितना है मैं उतना डिस्कस करूंगा बेटा, ठीक है। एन टाइप के साथ बात करते हैं, तो एन टाइप में बेटा क्या होगा कि बेटा स्ट्रक्चर तो बेटा वही प्योर सिलिकॉन का होगा, ध्यान दो भाई, प्योर सिलिकॉन, हम कोवेलेंट के साथ बात कर रहे हैं,
या बच्चों प्योर जर्मेनियम का स्ट्रक्चर, उनके साथ बच्चों जो हम डोपिंग करते हैं, तो डोपिंग बच्चों यहाँ पे करते हैं अपन फिफ्थ ई ग्रुप की। और फिफ्थ ग्रुप बच्चों कौन सा होता है बताओ जरा, नाइट्रोजन फैमिली, सभी को पता है नाइट्रोजन, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब विकारी, पढ़ाया था ना मैंने, नपास सभी, ठीक है, इस तरीके से डिस्कस किया था बेटा, देखो नोमिनेट्स है ना। तो यहाँ से क्या करो बेटा, यहाँ से आप फिफ्थ ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ से निकालो, और जो सिलिकॉन के जो आपके रेगुलर जो प्योर स्टेट में जो आपकी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसके साथ बच्चों क्या करना है कि एक सिलिकॉन के एटम को यहाँ से आपको रिप्लेस कर देना है, सिंपल सा मतलब यही है, ठीक है, ये प्योर सिलिकॉन है जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ से बच्चों एक सिलिकॉन के एटम्स को अपन बाहर निकाल दें, और यहाँ से बच्चों मान लो एल्यूमिनियम ले लो, या फिर आपका मन कर रहा है फॉस्फोरस ले लो, कुछ गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, यस आर्सेनिक, वही मैं सोच रहा हूँ एल्यूमिनियम फिर से कैसे आ गया, यस अब क्लियर है, ठीक है, यस। तो बेटा यस है ना, तो बिल्कुल, तो नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में करता एल्यूमिनियम कैसे आ गया, तो बेटा यहाँ से मैंने फॉस्फोरस को लेके आया, और लेके आने के बाद बच्चों यहाँ से एक सिलिकॉन को मैंने यहाँ से रिमूव किया, और इस पोजीशन मैंने फॉस्फोरस को शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये जो आपको सेमी कंडक्टर मिलेगा, नो डाउट बेटा यहाँ भी आप देखो, डोपिंग किसी भी टाइप की हो इसको हम इम्प्योरिटी बोलते हैं। इम्प्योरिटी का मतलब क्या, सिमिलर टाइप के एटम्स के बीच में कोई दूसरा एटम आ जाए, ठीक है, जैसे अपने नीट के जो अपने बच्चे हैं, अपना बैच है, सी बैच का बैच है, पीसीएमबी का बैच है, इसमें किसी दूसरे बैच का बच्चा आ जाए, तो दिस इज कॉल्ड इम्प्योरिटी। ऐसा बोलना नहीं है किसी को, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए, कोई बाहर का एलिमेंट आ जाए, है ना, कोई फॉरेनर एलिमेंट आ जाए, तो डेफिनेटली उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इम्प्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। इम्प्योरिटी बेटा वो इम्प्योरिटी नहीं जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, है ना, इस इम्प्योरिटी केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो उसको अपन इम्प्योरिटी बोलते हैं, बात समझ में आ रही है। हम लोगों ने इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में पढ़ा था ना एनोड मड, अगर आपको याद होगा एनोड मड पढ़ा था ना, अरे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस याद है क्या आपको, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में कराया था ना कि इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल क्रिएट करना, इम्प्योर मेटल कॉपर है एनोड पर लेते हैं, प्योर कैथोड पर लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराते हैं, जैसे स्विच को ऑन करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, इम्प्योर वाला बच्चों आपकी प्योर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, बताया था ना, तो एनोड के नीचे इम्प्योरिटी इकट्ठी हो जाती है, तो वो जो इम्प्योरिटी है हम उस इम्प्योरिटी को बेटा यूज करते हैं, ऐसा नहीं है इम्प्योरिटी वो खराब नहीं है, डस्ट है कुछ ऐसा है, नहीं नहीं उसका हम यूज करते हैं बाद में, वो भी एलिमेंट्स है ना, उनका भी डिफरेंट यूज होता है। तो देखो बेसिक मतलब है कि बेटा यहाँ पे मैंने फॉस्फोरस को एंटर करा दिया, नाइट्रोजन को एंटर करा दिया इस सिलिकॉन प्योर जर्मेनियम के साथ, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कंडक्टिविटी बेटा यहाँ भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। इससे ज्यादा आपके क्वेश्चंस में नहीं बनते, बहुत ही आसान से क्वेश्चन बनेंगे, अगर बनेंगे सॉलिड स्टेट क्वेश्चन यहाँ से क्यों बनाएगा, अंदर से बनाएगा ना, जो पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन, चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इन आयरन यहाँ पे लिखा है 0.94, देन आपका ये ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं जेई मेंस प्लस एडवांस प्लस बच्चों आपका जो एम्स का क्वेश्चन आते थे, ठीक है, उन लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, यस। बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत बार, तो नीट एआई पीएमटी में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। इन एफई 0.94 ऑक्सीजन, फिर बच्चों बोला है इसमें, देन कैलकुलेट दी परसेंटेज ऑफ एफई प्लस टू एंड एफई प्लस थ्री, ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क, बस सिंपल क्वेश्चन है, खत्म हो गया। क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया है कि एक गिवन कंपाउंड है बच्चों, एक गिवन, देखो सॉल्यूशन को देखेंगे अभी, एक इसमें गिवन कंपाउंड है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसमें आयरन बच्चों है 0.94 और एक ऑक्सीजन है, ठीक है, और इसमें आपको बताना है कि जो परसेंटेज एफ ई प्लस टू जो फेरस है और जो फेरिक है, फेरस और फेरिक का परसेंटेज यहाँ पे इस कंपाउंड में कितना होगा, बात समझ में आ रही है भाई। टू डिफरेंट आप कैटाइंस हैं आयरन के होते हैं बच्चों पॉपुलर, एफ ई प्लस टू और प्लस थ्री होते हैं, प्लस थ्री इज मोर स्टेबल, तो अब इसमें पूछा कि भाई परसेंटेज कितना होगा, एफ ई प्लस थ्री कितना होगा, एफ ई प्लस टू कितना होगा ना, ये बात बिल्कुल सही से आपको समझनी है। तो देखो बच्चों कैसे लिखते हैं, ध्यान दो, यहाँ पे आयरन है, आप लोग कोशिश भी कर सकते हो जिनको थोड़ा अगर लॉजिक बेटर है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस गिवन कंपाउंड में आयरन है और ऑक्सीजन है। बेटा आयरन कितना है, आयरन कितना दिख रहा है आपको, 0.94 ये दिख रहा है ना, और ऑक्सीजन बच्चों कितना दिख रहा है, 1, जो दिख रहा है उसी को लिख लो, ठीक है। अच्छा अगर बच्चों 0.94 ले हैं तो इसको मैं परसेंटेज में भी लिख सकता हूँ, आप मेरी बात को समझो, इसको हम परसेंटेज में लिखो तो बेटर है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा गया है, अगर मैं परसेंटेज में लिखता हूँ तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 94% हो जाएगा, समझ में आ रहा है सभी को, और ये बच्चों कितना हो जाएगा, 1 का मतलब 100%,
ये भी बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। अब सुनो बच्चों, यहाँ पे जो आपका एफ ई है उसको दो पार्ट में प्रेजेंट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो बच्चों आपका एफ ई प्लस टू के स्टेट में होगा, भाई आयरन दो स्टेट में होता है, प्लस टू और प्लस थ्री, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो प्लस थ्री जो बेटा स्टेबल होगा उसको एक्स नहीं मानना है, जो अनस्टेबल होता है उसको एक्स मानना है। इसमें से बेटा इसको मान लेता हूँ कि मैं ये एक्स, इसकी जो एफ ई प्लस टू की प्रेजेंस है एक्स, और एफ ई प्लस थ्री की बच्चों कितनी हो जाएगी जल्दी से बताओ, एफ ई प्लस थ्री की हो जाएगी टोटल 94 है, ये टोटल कितना है 94 है ना, यहाँ पे ये हो जाएगा 94 माइनस एक्स। अब ये बात समझ में आ रही है, तो एफ ई प्लस टू कितना एक्स लिया, तो एफ ई प्लस थ्री बच्चों कितना हो जाएगा 94 माइनस एक्स, बिल्कुल सही हो, करेक्ट। अच्छा अब सुनना, जब एक एटम था तो ऑक्सीजन बच्चों कितना था, भाई एक आयरन एटम था तो ऑक्सीजन बच्चों कितना था, 1/100 था। जब मैंने आयरन को दो पार्ट में कैटेगराइज करा दिया है तो इसके दो पार्ट हो गए, दो फ्रैक्शन हो गए, तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा 100 से 200 हो जाएगा। ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है, मैं बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, बहुत अलग अलग तरीके से बताया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके चीजें बताई जाती है, ये मैं बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको, एक बार में ही आंसर बन जाएगा बेटा लेस देन 1 मिनट के अंदर, ठीक है। ध्यान से देखो, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि बच्चों ये 200 हो गया, x की वैल्यू आपकी एफ ई प्लस टू एक्स हो गया, एफ ई प्लस थ्री आपका 94 माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ से आपको पता है कि कोई भी एटम बच्चों इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल। कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली बेटा, कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल। अगर वो न्यूट्रल है तो इसका मतलब है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ये बात सभी को समझ में आ रही है, ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव है, आयरन यहाँ पे पॉजिटिव है, भाई कोई भी एटम बेटा कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, दे भी रखा है ऊपर आपका न्यूट्रल ही है, कोई चार्ज नहीं दे रखा है, टोटल पॉजिटिव चार्ज को टोटल नेगेटिव इक्वेशन बन जाएगी सीधी, LHS को RHS। तो देखो बेटा यहाँ पे मैं कैसे लिखना है, ये बात ध्यान से समझना, यहाँ बच्चों कितना है इस पे चार्ज, कितना है Fe पे चार्ज, यहाँ पे कितना है प्लस टू दे रखा है ना, तो टू का मल्टीप्लाई एक्स का करना है, तो 2 × x Fe प्लस टू के लिए हो गया प्लस, यहाँ बच्चों चार्ज कितना है 3, जैसे लिख रहा हूँ वैसे आपको लिखना है, ध्यान से बेटा बहुत ढंग से बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपका 3 ब्रैकेट में 94 माइनस एक्स, सभी को लिखना आ गया। ये बच्चों बातों की आपकी पॉजिटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज पे आते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टोटल कितना हो गया 200 इक्वल टू 200। बस इसको सॉल्व करो, आंसर जल्दी से बता दो मुझे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो जो एक्स की वैल्यू आएगी बेटा वो बताएगी एफ ई प्लस टू के बारे में, जो फिर 94 माइनस एक्स कर देना वो बताएगा एफ ई प्लस थ्री के बारे में, जल्दी सॉल्व करो आंसर बताओ, यस प्लीज बताओ बताओ जल्दी से क्या आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन बनी होगी 2x प्लस 282 माइनस में है ना, वो मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 का 94 के साथ, ये हो जाएगा फिर आपका माइनस में 3x हो जाएगा, इक्वल टू बच्चों कितना होगा 200, ठीक है। जरा इसको सॉल्व, 82 आ भी गया है, अनिकेत का आ गया है, बिल्कुल सही। यहाँ से बच्चों क्या मिलेगा आपको, 3x मिल जाएगा। ये पूरा कैलकुलेशन करो आप, यहाँ पे ये 2x माइनस 3x है और आपका प्लस 2x है, तो माइनस एक्स मिल जाएगा, इक्वल टू ये 200 है, ये माइनस में 282 हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, ये माइनस में यहाँ पे बड़ा नंबर है तो आपका ये माइनस आपका यहाँ से 82 बचेगा, कितना बचेगा 82 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा माइनस माइनस बच्चों वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, खत्म कर दो, तो एक्स की वैल्यू आपकी 82 हो गई, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू 82 हो गई तो इसका मतलब बेटा परसेंटेज ऑफ एफ ई प्लस टू, परसेंटेज ऑफ एफ ई प्लस टू हम कैसे लिख सकते हैं बताओ बेटा, 82 ऊपर हो जाएगा डिवाइड बाई नीचे कितना होना चाहिए, टोटल 94 था, अरे था कि नहीं था, मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर बच्चों निकालना है परसेंटेज ऑफ एफ ई प्लस थ्री तो बताओ यहाँ से कितना होगा, पहले तो माइनस करो जल्दी से, 94 माइनस से माइनस कर दो तो कितना बेटा बचेगा, 94 माइनस 82 करोगे तो आपका 12 आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई नीचे कितना 94, हम एफ ई प्लस थ्री फिर इसके साथ बात कर रहे हैं, फिर इंटू बेटा आपका यहाँ पे 100। बस इसको सॉल्व करो, ये आपका यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एफ ई प्लस थ्री होगा और बेटा आपका एफ ई प्लस टू होगा उस गिवन कंपाउंड के अंदर, जो था आपका एफ ई 0.94 और यहाँ पे था ऑक्सीजन। क्या सभी बच्चों को बात समझ में आई, बताइए बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे आप लोग, बहुत सही, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, चलो सेकंड क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ करके दिखाना। क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे कॉपर के साथ दे रखा है उसने 1.8 और यह है सल्फर, कॉपर सल्फाइड एग्जाम्पल लिया है इसे, ठीक है। याद है बच्चों दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, पढ़ा था हम लोगों ने उसी के। आपको यहाँ पे करना है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कॉपर प्लस वन एंड कॉपर प्लस टू, चलो एन क्वेश्चन मार्क निकालो बच्चों आंसर जल्दी से, क्या आंसर आएगा, चलो मैं एक बार आपको कोशिश करता हूं यहाँ पे समझाने की। देखो बेटा कॉपर यहाँ पे कितना है,
कॉपर कितना है 1.8 लिख लिया, परसेंटेज सल्फर कितना है 1, ऐसे लिख लेना है बिल्कुल सिंपल तरीके से। परसेंटेज के बारे में बच्चों बात कर रहे हैं तो क्यों ना इसको परसेंटेज में लिख लिया जाए, है ना। तो ये बच्चों हो जाएगा 18, ऐसे लिख लें क्या, और ये कितना हो जाएगा 10। अब बताओ, अब कोई दिक्कत है, इस तरीके से लिख सकते हैं क्या हम? बिल्कुल। अब यहाँ पे बच्चों कॉपर क्या है, दो पार्ट में है, प्लस वन है और प्लस टू में है, प्लस वन में है और प्लस टू में है, इन्हीं दो के बारे में बेटा डिस्कशन किया जाएगा आपसे, है ना। तो कॉपर प्लस वन बच्चों एक्स जो लोअर वाला है, और इसको क्या बात बेटा मानेंगे, टोटल 18 माइनस एक्स हो जाएगा ये, ठीक है, दोनों वैल्यूज पता हो गई। अच्छा, यहाँ जो बच्चों सल्फर होगा ना, ये बात समझना, यहाँ पे जो सल्फर होगा वो माइनस टू की स्टेट में होगा, आपको पता ना सल्फाइड है, कॉपर प्लस टू में होता है, कॉपर प्लस टू में होगा। यहाँ पे जनरली जो हम सिंपल कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड की बात करते हैं तो सल्फर बच्चों क्या होगा, माइनस टू की स्टेट में होगा, है ना, ये बात आपको सही से संभाल के रखनी है। बिल्कुल, अब सुनो ध्यान से, यहाँ बच्चों इसकी वैल्यू कितनी थी अभी सल्फर की, 10। अगर ये दो बच्चों आयंस हो सकते हैं तो सल्फर बेटा ट्वाइस करना पड़ेगा ना, तो 10 × 2 करना पड़ेगा, तो ये आपका सल्फर वाला सेक्शन कितना हो जाएगा 20। और आपको पता है कोई भी एटम इलेक्ट्रिक कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ही होता है, तो बाकी तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यस, निकालो बेटा जल्दी से, 1 × x, x हो जाएगा Cu+1 के लिए, Cu+2 की बात करो, 2 का मल्टीप्लाई करो बेटा 36, 18 × 36 माइनस में आपका 2x = 20, है ना, ये x है -2x, तो -x बचेगा, बचेगा ना, इस बार आपका 20 − 36 होगा, है तो आप सीधा लिख सकते हो x = कितना 16, माइनस माइनस कैंसिल कर देना, x की वैल्यू 16 सभी बच्चों की आई थी, बताओ सभी आई हो गई। अब बच्चों यहाँ से निकालना है कॉपर प्लस वन की वैल्यू, तो कॉपर प्लस वन तो आसानी था, ध्यान दो यहाँ पे कॉपर प्लस वन कितना बेटा हो जाएगा 16 / 2, तो टोटल कितना था आपका, टोटल कितना था 18 था, 18 था ना, यस 18 मल्टीप्लाइड बाई 100। Cu+2 की बच्चों बात करेंगे अपन लोग, तो Cu+2 बच्चों कितना होगा, 18 − 16 कर दो है तो 2 बचेगा, तो 2 / नीचे कितना 18 × 100, कितने बच्चों ने इस तरीके से किया जल्दी से बताओ बच्चों, इस तरीके से कितने बच्चों ने किया, रेज योर हैंड्स प्लीज। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सही, गुड गुड, यस। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में थोड़ा डिफरेंट करते हैं, 10⁵ mol परसेंटेज स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl4 नहीं Cl2 होना चाहिए, SrCl2, ठीक है, SrCl2 इज डोप्ड DOPPED इज डोप्ड इन प्योर NaCl क्रिस्टल, ठीक है, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी, ये क्वेश्चन दे रखा है मैंने, ठीक है, चलो देखेंगे बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस बात को आप समझो ध्यान से। तो किस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन इसके लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है, आपको देखने में क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा लेकिन इसका लॉजिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। दो बेटा सॉल्यूशन की बात करते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझो कि बच्चों एक हमारा प्योर NaCl का क्रिस्टल है, और NaCl का क्रिस्टल सभी को आता है, मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो आपको पता है कि NaCl क्रिस्टल के अंदर सोडियम पॉजिटिव में होता है, क्लोरीन माइनस में होता है, सबको पता है। तो मान लो यहाँ पे NaCl के कुछ क्रिस्टल्स हैं इस तरीके से, Na+Cl-, कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा ना, आप और भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों यहाँ पे इस बात को जरूर समझो ध्यान से, बिल्कुल, हाँ निरंत आई विल चेक, बिल्कुल ना। तो यहाँ पे बेटा बोला है उसने SrCl2 की डोपिंग करी जा रही है, तो SrCl2 को आपको समझना ध्यान से कि बेटा मैंने Sr+2 की फेज में होगा, और Cl बच्चों क्या होगा 2Cl-, तो 2Cl- को मैं कैसे लिखूं, 1Cl- यहाँ पे, 1Cl- यहाँ से, क्या मेरी बात सभी बच्चों तक समझ में आ रही है? तो देखो SrCl2 जो है उसमें कैटाइन तो बच्चों एक ही होगा ना, Sr+2, और एनायन बच्चों आपके दो होंगे, 2Cl- होंगे। तो अब आप एक बात को समझो यहाँ से कि जब बच्चों NaCl का जो क्रिस्टल होगा ना, उस क्रिस्टल में से जब बच्चों एक Sr+2 आएगा तो वो सोडियम को ही रिप्लेस करेगा, जब वो सोडियम को रिप्लेस करेगा बिकॉज ने कैटायनिक वैकेंसी पूछी है, बट अब वो सोडियम को रिप्लेस करेगा तो एक SrCl2 बच्चों क्या करेगा बताओ मुझे,
एक सोडियम रिप्लेस कर देगा कि दो सोडियम रिप्लेस करेगा। आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिव चार्ज है जो नेगेटिव चार्ज है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। तो इसके साथ तो आपके दो Cl- थे ना, दो Cl-, तो कहीं ना कहीं एक जगह जो सोडियम प्लस वाली होगी वो खाली मिलेगी। आप बताओ मुझे, जो एक जगह होगी आपकी, भाई सोडियम की दो जगह होंगी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। उन दो जगह में से भाई आप एसर प्लस टू क्या है उसके पास, बच्चों दो सीएल माइनस है ना, टोटल पॉजिटिव जो टोटल नेगेटिव चार्ज होता कि नहीं होता है, आप मुझे पहले ये बताओ। चलो तो उसको छोड़ दो, आप उसको इस तरीके से बताओ, टोटल मुझे बताओ, टोटल इसके पास आपके पॉजिटिव चार्ज कितना होगा बताओ पहले। एसर प्लस टू जैसे आएगा तो जैसे उसने रिप्लेस किया सोडियम को, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, प्लस फाइव हो जाएगा। आप देखो ना ध्यान से, दो और तीन ऊपर से है तो तीनों दो पांच। अरे मैंने तीन माने थे, आप और भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है। आप चार NaCl ले लो, फाइव NaCl ले लो, तो SrCl2 का प्लस टू चार्ज तीन ऊपर से हो जाएगा, हो गया ना भाई। नीचे वाली जो पोजीशन तो गायब करी होगी ना उसने, भाई दो Cl- आएंगे ना SrCl2 के, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना। अच्छा नेगेटिव चार्ज कितना होगा ये बताओ मुझे, नेगेटिव चार्ज कितना होना चाहिए, यस बताओ बच्चों। पॉजिटिव चार्ज क्लियर हो गया, नेगेटिव चार्ज कितना होगा, नेगेटिव चार्ज आपका माइनस फोर होगा कि आपका माइनस फाइव होगा, माइनस फोर होगा कि माइनस फाइव होगा। ये एसआर सीएल टू लिख लो इस तरीके से, इसे आयनाइज करके देख लो, एसआर प्लस टू होगा, सीएल की बात करोगे टू सीएल माइनस होगा, होगा एनएसएल का पूरा क्रिस्टल होगा, ठीक। उसमें से बेटा एसर प्लस टू आया तो उसके पास तो प्लस टू चार्ज है ना, तो दो कैटन को रिप्लेस करेगा ना, दो सोडियम को रिप्लेस कर देगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ये बात समझ लो अच्छे से, तभी तो टोटल होल चार्ज आपका बैलेंस किया जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है बताओ बच्चों, क्लियर हो गया। अच्छा अब यहाँ पे आप ये देखो, बिल्कुल अब यहाँ से आपको एक वैकेंसी तो क्रिएट मिलेगी ना, एक सोडियम प्लस की वैकेंसी तो क्रिएट मिलेगी। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व, ये तो आपने पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, अब यहाँ से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाएगा इसका। तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट बच्चों को जैसा होगा, आप इसको इस तरीके से समझो कि नंबर ऑफ कैटनिक वैकेंसी, नंबर ऑफ कैटनिक वैकेंसी इज इक्वल टू क्या होगा, वन एक वैकेंसी नीचे बचेगी वो हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाई SrCl2। SrCl2 मतलब कौन सा, जो आपका डोप्ड किया गया है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखो। तो कितनी बच्चों की कैटनिक वैकेंसी क्रिएट हुई, वन वैकेंसी, वन ही तो मिला आपको, वन वैकेंसी क्रिएट हुई, तो वन आपका यहाँ पे आ जाएगा जो वैकेंसी क्रिएट हुई, मल्टीप्लाइड बाई SrCl2 जो आपका डोप्ड किया गया है, जो मोल्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। तो वन इंटू टेन की पावर माइनस फाइव लिख सकता हूँ मैं, लेकिन ये मोल परसेंटेज है, तो मोल परसेंटेज को मोल्स में लिखें तो कितना हो जाएगा, ये टेन की पावर माइनस कितना हो जाएगा, सेवन हो जाएगा, टेन को माइनस सेवन मोल्स हो जाएगा ना, मोल परसेंटेज को मोल्स में लिखना है तो माइनस सेवन हो जाएगा। और अगर इसके नंबर्स निकालने तो अवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 की पावर माइनस सेवन इंटू, बिकॉज उसने क्या पूछा है नंबर्स, नंबर ऑफ नंबर्स के बारे में बात करेगा तो मोल कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा, तो 6 इंटू 10 की पावर 23, इससे कर लो मल्टीप्लीकेशन, ये होगा इसका आंसर। आया समझ में, जितनी वैकेंसी क्रिएट होंगी वो वैकेंसी को यहाँ सही से लिखना पड़ेगा, ये नंबर है ना, ये नंबर अगर आपने गलत लिख दिया तो फिर आंसर गलत हो जाएगा पूरा। क्लियर हुआ सभी को, नेक्स्ट क्वेश्चन लें इसके बाद, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है यहाँ पे, 10 की पावर माइनस फोर मोल परसेंटेज, मोल परसेंटेज ऑफ AlCl3 इज डोप्ड इन प्योर NaCl क्रिस्टल, प्योर NaCl क्रिस्टल दैट इज, देन बेटा नंबर ऑफ CB कैटनिक वैकेंसी के जो नंबर्स होंगे वो कितने होंगे, सॉल्व करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे सॉल्व तुरंत हो जाएगा। देखो बेटा AlCl3 उसने बोला और प्योर NaCl जो मैंने बताया था वैसे ही सॉल्व करो इसे, ठीक है। तो मान लो बेटा मैंने NaCl लिया तो Na प्लस Cl माइनस, एक और NaCl ले लिया, वहां तीन लिए थे यहाँ दो ले लो, जैसा आपकी मन कर, थ्री है तो थ्री ले लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक और ले लो, अगर आपका ऐसा लग रहा है तो एक और ले लो। तो यहाँ पे बस ये समझो कि जो AlCl3 है उस AlCl3 को अगर मैं आयोनाइज करता हूँ तो क्या मिलेगा, Al प्लस थ्री होता है और थ्री बच्चों Cl माइनस होंगे। ये बात समझ में आ रही है सभी को, तो एक सोडियम की जगह तो बच्चों AlCl3 खुद रख जाएगा जाके, भाई एक सोडियम की जगह तो AlCl3 खुद पहुंच जाएगा। ये बात समझ में आ रही है,
बाकी इसके तीन सी एल माइनस भी तो हैं, तो एक सी एल माइनस यहाँ, एक सी एल माइनस यहाँ और एक सी एल माइनस यहाँ, तो कितनी बच्चों वैकेंसी आ जाएंगी? देखो एक वैकेंसी यहाँ मिलेगी, मिलेगी ना, एक वैकेंसी यहाँ मिलेगी। थोड़ा कितनी वैकेंसी क्रिएट हुई देखो, कितनी वैकेंसी क्रिएट हुई, टू वैकेंसी। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? टू वैकेंसी आपकी जनरेट हो गई। तो जब बेटा हम लोग लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है, सिंपल, बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड है वो। तो फिर यहाँ पे आपके जो कैटनी वैकेंसी बेटा कितना हो जाएगा बताओ, वो जो नंबर होगा, तो आपका टू इंटू कितना परसेंटेज आपको दे रखा है, टैंक पावर माइनस फोर है, तो वो मोल परसेंटेज है, उसको मोल्स में करेंगे, टैंक पावर माइनस सिक्स हो जाएगा ना, मोल्स हो जाएंगे ये। और इस मोल्स हो जाएगा अगर, तो उसने नंबर अगर पूछा है तो बस कुछ नहीं, आप नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू एन ए, एन ए का मतलब एवोगाड्रो नंबर। बहुत बार ऑप्शंस बच्चों एन ए के साथ दे रखा होता है, पूरा सॉल्व नहीं करता है, वो एन ए के साथ ही टिक कर देते हैं, हो जाएगा सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 10 की पावर माइनस 7 मोल परसेंटेज ऑफ केसीएल इज डोब डोब इन प्योर NaCl क्रिस्टल, देन नंबर ऑफ CV, नंबर ऑफ कैटेनिक वैकेंसी क्या हो? सॉल्व करो इसको, बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा? यस, जल्दी सॉल्व करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तरफ। क्या होना चाहिए? जीरो। क्या होगा बच्चों आंसर? जीरो, ठीक है, बिल्कुल। अब बच्चों इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखो बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। तो पैरा मैग्नेटिक सभी को पता है, इसकी बच्चों प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट क्या आता है कि यहां बच्चों क्या प्रेजेंट होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल सही। सेकंड बच्चों हम बात करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट भी बात पूछी जाती है, फर्स्ट। नेक्स्ट मैग्नेटिक मूवमेंट, तो अगर बच्चों किसी भी कंपाउंड के पास उसका जो सेंट्रल एलिमेंट है या जो आयंस है या जो कैटायंस है, एनायंस है, उनके पास बच्चों अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो उसके पास बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट भी डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। आपको पता है जो हमारे नीट और पीसीएमबी के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ पढ़ाया था बच्चों? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, याद है ना, यस, निकालना सिखाया था ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड के बाद आपको पढ़ाया था, है ना, सबके साथ। तो देखो यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट बच्चों क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू क्या निकाला जाएगा, अंडर रूट एन ब्रैकेट एन प्लस टू, ठीक है। जब तक एग्जाम होता है ना, आधे बच्चे ये फॉर्मूला भूल जाते हैं, गलत कर देते हैं, कभी कभी स्मॉल एन को ना इसके बाहर लिख देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं आंसर गलत होता है। बोर मैग्नेटोन इसका यूनिट होता है, ठीक है, ये आपका बेसिक सा यहाँ पे फॉर्मूला है, सभी को ध्यान रखना है। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को यहाँ तक, कोई दिक्कत बताओ बेटा? यस। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, तो मुझे जरा बताना कि जो बच्चों पैरा मैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू बच्चा अट्रैक्ट होते हैं? जैसे मान के चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ इसको, ठीक है। yes. जैसे मान चलो बच्चों ये नॉर्थ, मैंने यहाँ पे एक पोल ले लिया, यहाँ पे आपका ये साउथ पोल ले लिया मैंने, यहाँ पे बेटा कुछ ना कुछ मैग्नेट्स कुछ, या इसके ऐसा मानो कि बीच में मैंने क्या करा, एक ब्लॉक रख दिया इस तरीके से, और ये ब्लॉक बच्चों है ये आपका पैरा मैग्नेटिक सबस्टेंस है। कैसा बच्चों है? पैरा मैग्नेटिक सबस्टेंस। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि पैरा मैग्नेटिक सबस्टेंस क्या बच्चों मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं कि रिपल करते हैं? जल्दी से बताओ बेटा। तो जो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स होते हैं, इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ इस तरीके से पास होगा, कुछ इस तरीके से पास होंगे, सभी को बात समझ में आ रही है? तो बेटा ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है सभी को? बिल्कुल, पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज है। What is the representation? बहुत बार क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आता, चार ऑप्शन में रिप्रेजेंट कर देगा। तो यहाँ बच्चों इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में आपके इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरा मैग्नेटिक कंपाउंड। सभी को समझ में आ गया? एग्जाम्पल बच्चों बहुत सारे हैं, आपने पढ़ा है MN+2 पढ़ा है, एग्जाम्पल मैंने कराया था। ऑक्सीजन तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, O2, है ना,
अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाते हैं ना, यस अकॉर्डिंग टू एमओटी, नॉट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के रिस्पेक्ट में बच्चों एक ऐसा होता है, आप बोलोगे सर कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑल आर पेयर्ड, सिक्स होते हैं ना बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सब कुछ बच्चों पेयर्ड है। अकॉर्डिंग टू बीबीटी इट इज ए डायमेंटिक कंपाउंड, बट अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सॉरी अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये बच्चों होता है पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। ठीक है, कैसा होता है पैरामैग्नेटिक, इसमें हम जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिपेंड्स अपॉन इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, और उसके बाद यहाँ पे इसके हम निकालते हैं। बिल्कुल सही, करेक्ट, अट्रैक्ट करते हैं, सभी का आंसर सही है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सोशल, बिल्कुल सही करेक्ट ना, तो ये बातें आपको पता हो। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे शिकिन पॉइंट है आपका डायमैग्नेटिक की बच्चों बात करते हैं, तो आप बताओ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कितने होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जीरो, ठीक, सारे के सारे पेयर्ड होते हैं, तो बच्चों आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो वो आपका ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, बिकॉज जो स्मॉल एन होता है ना फॉर्मूले में, बिल्कुल वो आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी। अब बच्चों पूछो मैग्नेटिक फील्ड के साथ बच्चों क्या ये सीन क्रिएट करेगा, बताओ जल्दी से, यहाँ पे नॉर्थ पोल ले लिया, यहाँ पे साउथ ले लिया, ठीक है, तो अगर बच्चों बीच में मान के चलो मैंने एक ब्लॉक रख दिया इस तरीके से, है ना, एंड दिस ब्लॉक इज ए पैरामैग्नेटिक, हो सकता है कंपाउंड का नाम लिख के दे दे और आपको बताना पड़ेगा पैरा है कि डाया है, तो निकालना पड़ेगा। तो बट अगर ये पैरामैग्नेटिक, सॉरी दिस इज डायमैग्नेटिक, हम डायमैग्नेटिक पे डिस्कशन कर रहे हैं नॉट पैरामैग्नेटिक, अगर बच्चों आपका ये डायमैग्नेटिक कंपाउंड होगा तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे के इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे, तो पेयर्ड होने की वजह से ये बच्चों रिपल करेगा, ये इस तरीके से मूव करेगा, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, यस। तो बच्चों यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे आपको रिपल्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, इन डायमैग्नेटिक। अच्छा, इसके बाद बच्चों इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स का, तो ये तो आपको बिल्कुल आराम से पता होगा कि सारे के इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों पेयर्ड कर दो विद अपोजिट स्पिन, इस तरीके से, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को, तो ये बेटा हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल बच्चों बहुत सारे हैं, जैसे एनसीईआरटी में एनएसीएल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, CaCl2 का अच्छा एग्जाम्पल है, आप बहुत सारे, आप बेंजीन ले लो, C6H6 ले लो, ठीक है, आप मैग्नीशियम सल्फेट ले लो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आप ले सकते हो, सारे के सारे बच्चों कैसे होते हैं डायमैग्नेटिक कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं थर्ड, फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड बच्चों क्या होते हैं, यस, तो फेरोमैग्नेटिक के अंदर हम लोग पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, द सॉलिड which behave as permanent magnet. Permanent magnet after removal of electric field या बच्चों magnetic field क्या आना चाहिए magnetic field, electric field, magnetic field. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही। तो आपको ध्यान देना है कि बच्चों ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सॉलिड, ऐसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो बच्चों बिहेव करते हैं परमानेंट मैग्नेट की तरह, जब वहां से मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दें उसके बाद भी वो आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करें, परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, तो उनको बच्चों हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। ये बिल्कुल ध्यान रख लो अच्छे से, इनके क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर के ऊपर, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, पीजोइलेक्ट्रिक, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे स्टेटमेंट वाइज, ठीक है, हाँ, और आपके सीटी वगैरह में तो मिल ही जाएंगे बिल्कुल। तो यहाँ से बच्चों इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, जब बच्चों यहाँ से आपका मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया जाएगा तो सारे के सारे जो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर, सेम डायरेक्शन के अंदर आपके स्पिन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन बच्चों किसका होगा, फेरोमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक के बच्चों कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जो एग्जाम्पल मैं लिखाऊंगा वो एग्जाम्पल आएंगे भी, ये भी बिल्कुल श्योर है, 100% है, 101% सेफ है कि बेटा आयरन पिछले साल मैंने लिखाया था, जो एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल डिस्कस किया गया था, ठीक है, आयरन हो गया, उसके साथ बच्चों यहाँ पे आप क्रोमियम CrO2, ठीक है, ये कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे आपका निकिल हो गया, वेरी पॉपुलर, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कॉपर हो गया, आपका एग्जाम्पल बेटा आयरन से बहुत अच्छा बनता है, आयरन से, निकल से, ये सारे के सारे बच्चों कैसे होते हैं, बिल्कुल ध्यान रखो कैसे होते हैं बच्चों, फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड, क्लियर सभी को।
ज्यादा डेप्थ में बच्चों प्रॉपर्टीज नहीं आती है ना, तो इस पे इतना आपको डेप्थ में सोचने की जरूरत भी नहीं है, जितना आएगा उतना हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स बच्चों क्या होते हैं? एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स की बच्चों जब बात करते हैं तो ध्यान रखना है कि वहां पे जो बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? जीरो नहीं, वो आपके प्रेजेंट होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। जहां पे बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट की या रिजल्टेंट की बात करें तो वो होता है जीरो। आप समझ रहे हो ध्यान से बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट तो हैं लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट आपका जीरो होता है। ये बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है, प्लीज ध्यान से समझ लो इसको। आप स्टार लगा लो, चांद सितारे जो भी लगाना है आप लगा लो, ठीक है? बिल्कुल इसे ध्यान रखो, इसको आप नोट बना लो, ठीक है? बहुत अच्छे से रिविजन टाइम इसको प्लीज ध्यान से देखना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच्चों जीरो होते हैं कि प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल एन तो बच्चों प्रेजेंट होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, बट बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू यहाँ पे जीरो होती है। अब वो क्यों होती है? बिकॉज उसके साथ बच्चों जो अलाइनमेंट होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का, वो आपका एक पोजिशन पे फिक्स नहीं होता है। कुछ के साथ बच्चों वो क्या होता है? पेयर्ड होता है। आपको बताऊं, कुछ पेयर्ड होता है, कुछ एक दो अनपेयर्ड होते हैं। जो अनपेयर्ड होते हैं वो भी फटाफट से पेयर्ड करते रहते हैं, तो कंटिन्यूस वो पेयर्ड। देखो इलेक्ट्रॉन्स तो अनपेयर्ड थे लेकिन वो पेयर्ड करते रहे, तो पेयर्ड करने की वजह से उनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन्स बच्चों आपके अनपेयर्ड होते हैं, वो लगातार रीअरेंज करते रहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसके मैं डायग्राम को बताऊं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरीके से, ध्यान दो बच्चों, ठीक है? आप इस तरीके से इनको बना सकते हैं। देखो ये आपके यहाँ पे कैसे अनपेयर्ड, ये आपका पेयर्ड है, मान लो ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये कैसे है अनपेयर्ड। तो बच्चों ये क्या करते हैं, ये अपनी पोजिशन से रीअरेंज उठते हैं। यहाँ पे शिफ्ट होगा, एक यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, कंटिन्यूस आपका मूवमेंट होता रहता है, ठीक है? इस तरीके से। तो इसलिए यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? रिजल्टेंट जीरो होता है। इस बात को ध्यान रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल बच्चों क्या है उसका, एक ही एग्जांपल उसका पॉपुलर है एनसीईआरटी के अंदर, MnO एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो बच्चों होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड, ठीक है? MnO बिल्कुल सही से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, फेरोमैग्नेटिक। फेरो की छोटी बहन, इसको बोलेंगे फेरी मैग्नेटिक, ठीक है? यहाँ छोटी बहन मतलब सिस्टर ही है, ठीक है? यस। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है? बट नेट जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो बच्चों होगा लेस, इज लेस देन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? एग्जैक्टली जितने बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे, ठीक है? वो तो आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फेरोमैग्नेटिक में प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट होगा, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा एक बार में। आप क्वेश्चन में कर रहा हूँ क्विज में, आपको सॉल्व फटाफट कर लोगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कंपेरिजन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होंगे उनके कंपेरिजन में जो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू बच्चों यहाँ पे लेस आती है, ठीक है? ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक, जहां बच्चों इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, आप ध्यान दे लो कुछ इस तरीके से, ठीक है? दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? इस टाइप से। और इससे एग्जांपल्स बच्चों बहुत पॉपुलर है फेराइट, FERRITS, फेराइट्स। फेराइट्स का मतलब बेटा आयरन कंपाउंड, Fe3O4। ये क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, Fe3O4। नेक्स्ट बच्चों मैग्नीशियम के साथ MgAl2O4, MgAl2O4। ये कुछ आपके स्पेशल कंपाउंड्स हैं जो बच्चों जो आपके फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के बच्चों बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है बच्चा पीजो इलेक्ट्रिक, ठीक है? PIE, पीजो इलेक्ट्रिक। पीजो का मतलब बच्चों प्रेशर, ठीक है? पीजो इलेक्ट्रिक, ठीक है? पीजो इलेक्ट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो बेटा पीजीओ का मतलब होता है बेटा इसका मतलब होता है बच्चों प्रेशर, ठीक है? तो इस अब ध्यान से सोचना कि इलेक्ट्रिसिटी बच्चों प्रोड्यूस होगी, ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं प्रेशर को अप्लाई करने के बाद। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक करेंट या बच्चों इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्रेशर, ऐसे कंपाउंड
जिन पे प्रेशर अप्लाई किया जाए तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक कंपाउंड बोलते हैं, जिसके सबसे अच्छे बड़ा एग्जांपल क्वार्ट्ज होते हैं, UURTZ, ठीक है। क्वार्ट्ज इसके सबसे अच्छे एग्जांपल है, क्वार्ट्ज हो गया, रॉसल सॉल्ट हो गया, ROCHELL, ठीक है, रॉसल सॉल्ट हो गया। तो ये कुछ बच्चों से एग्जाम्पल है, जब आप यहाँ पे आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो आपके ये बिल्कुल बच्चों पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। नेक्स्ट बेटा सेकेंड अपन बात करेंगे पायरो इलेक्ट्रिक। पायरो का मतलब तो सभी को पता है, पायरो का मतलब बच्चों हीट, ठीक है। तो हीट सप्लाई करने से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, ऐसे कंपाउंड, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू हीट, ठीक है, यस। हीट सप्लाई करने के बाद जो कंपाउंड बच्चों इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं उनको बच्चों बोलते हैं पायरो इलेक्ट्रिक। एग्जाम्पल बच्चों क्या है, एग्जाम्पल आपके हैं क्रिस्टल्स ऑफ टार्ट्रिक एसिड। जो टार्ट्रिक एसिड होता है ना, टार्ट्रिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके साथ अगर बच्चों आप हीट सप्लाई करोगे तो बेटा वो आपके करंट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं। समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट किसी बच्चों को, यस। नेक्स्ट होता है थर्ड पॉइंट आता है बच्चों फेरो इलेक्ट्रिक का मतलब है, इसको समझते हैं फेरो इलेक्ट्रिक में, आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आफ्टर रिमूवल इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड या बच्चों जो कंपाउंड है क्रिस्टल है, ठीक है, आफ्टर रिमूवल इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड बिहेव एज परमानेंट डाइपोल, ठीक है। फिर से समझ लो ध्यान से, डेफिनेशन यही है, ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के हटाने के बाद, ठीक है, जो भी सॉलिड जो भी क्रिस्टल्स बच्चों परमानेंट डाइपोल की तरह एक्ट करते हैं उनको बच्चों बोलते हैं अपन लोग फेरो इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं, फेरो इलेक्ट्रिक। एग्जाम्पल की बच्चों बात करें तो पहले इसका रिप्रेजेंटेशन देख लो कैसा होगा। जैसे बच्चों यहाँ पे इसको इस तरीके से अपन ड्रॉ कर सकते हैं, एक तरफ आपका प्लस माइनस, यहाँ प्लस ये माइनस, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल, ये रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे इस एग्जाम्पल बच्चों आता है, जैसे आपका VATIO3 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और बच्चों पोटेशियम का होता है KH2PO4, ठीक है, एक ये एग्जाम्पल है बहुत अच्छा है पायरोइलेक्ट्रिक का। रोसल सॉल्ट जो अभी बताया था, रोसल सॉल्ट भी इसी का एग्जाम्पल होता है, ठीक है, पायरोइलेक्ट्रिक। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, यस बच्चों, कोई दिक्कत कोई डाउट किसी को, यस, नहीं, चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एंटी फेरो इलेक्ट्रिक, एंटी फेरो इलेक्ट्रिक। एंटी फेरो इलेक्ट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, यस, तो बताया कोई मुझे एंटी फेरो इलेक्ट्रिक कंपाउंड्स। देखो बेटा ये जो है ना, जो लिखा रहा हूं मैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन 4 मार्क्स देके जाती हैं, बिल्कुल ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है। तो एंटी फेरो इलेक्ट्रिक बच्चों कंपाउंड्स क्या है, ध्यान देते हैं, जो बच्चे नीट और जेई में इंटरेस्टेड नहीं है वो सीईटी में तो इंटरेस्टेड है ना, तो सीईटी में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है, यस। तो डाइपोल्स आर प्रेजेंट बट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट वो बच्चों यहाँ पे जीरो होता है, म्यू आर इक्वल टू जीरो, ठीक है, प्लीज इसको ध्यान रखना। तो एंटी फेरोइलेक्ट्रिक कंपाउंड्स बच्चों क्या होते हैं, कि बेटा ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास डाइपोल्स तो प्रेजेंट होता है लेकिन नेट जो बच्चों रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट होगा उसकी वैल्यू जीरो होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सभी को याद रहेगा, तो देखेंगे बच्चा कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट सिक्वेंस लगाना है आपको, कैसे, कि बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, सभी को समझ में आ रहा है। बताइए बच्चों डाइपोल्स तो आपको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ठीक है, डाइपोल तो हर जगह है। एग्जाम्पल बच्चों आता है PbZRO3, ये आपका एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है इसका, ठीक है, लेड का, जिरकोनियम के साथ। तो बच्चों देखो डाइपोल तो दिख रहा है,
बट अगर अपोजिट सिक्वेंस के साथ है, इसलिए आपका जो नेट रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। क्या सभी को समझ में आया बेटा, क्लियर हो गया? चलो इसके बाद बच्चों हम कुछ देखते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ बच्चों बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ध्यान दो, ऑल डिफेक्ट्स आर नॉन एज थर्मोडाइनिकल इफेक्ट, जिसको मैंने डिफेक्ट पढ़ाने से पहले ही बताया था, ठीक है। सिंस बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आर इंक्रीजेस, डिफेक्ट्स बच्चों इंक्रीज करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नंबर ऑफ डिफेक्ट बच्चों क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, कोई डाउट किसी को? यस। तो बेटा प्लीज ध्यान रखो कि आपका जो भी आपका ये इफेक्ट हम लोगों ने पढ़े थे डिफेक्ट, ऑल आर थर्मोडाइनमिकल, जैसे आप हीट वगैरह बढ़ाओगे टेम्परेचर तो वहाँ पे डिफेक्ट जो होंगे वो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इस बात को बिल्कुल आपको सही से ध्यान रखना है, क्लियर। सेकेंड बच्चों बात करते हैं इसी पॉइंट को लेके, सेकेंड हम लोग डिस्कशन करते हैं, एज द नंबर ऑफ एफ सेंटर, पढ़ाते ना बेटा हम लोगों ने कलर को लेके, ठीक है, नंबर ऑफ एफ सेंटर इंक्रीजेस। अगर बच्चों किसी भी क्रिस्टल में नंबर ऑफ एफ सेंटर बढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी होगी बच्चों किसकी इंटेंसिटी, कलर की, तो इंटेंसिटी होगी कलर की, क्या वो इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, बताओ बेटा। एफ सेंटर जितने बढ़ते जाएंगे तो एफ सेंटर का मतलब बच्चों कलर ही होता है, जिसकी वजह से इनकी जो कलर की इंटेंसिटी होगी वो बच्चों क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, बिल्कुल कलर की इंटेंसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये स्टेटमेंट वाइज बच्चों क्वेश्चन आते हैं, है ना, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सेकेंड थर्ड पॉइंट बच्चों बात करते हैं, एक स्पेशल कंपाउंड बच्चों सिल्वर ब्रोमाइड, ये बच्चों दोनों टाइप के डिफेक्ट शो करता है, शॉटकी डिफेक्ट भी शो करता है एज वेल एज बच्चों फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है, ठीक है। किसी बच्चे ने बीच में बोला था कि ये कंपाउंड दोनों जगह मिलता है, हाँ बिल्कुल बच्चों ये दोनों डिफेक्ट को शो करता है, इसको प्लीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बिल्कुल की पॉइंट है एकदम से, अच्छे से आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों बात करते हैं, सिलिकॉन सोलर बैटरीज, सिलिकॉन सोलर बैटरीज आर बोथ टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, पी टाइप एज वेल एज एन टाइप। तो सिलिकॉन सोलर बैटरी जो होती है बेटा वो दोनों टाइप के कंडक्टर शो करती है, पी टाइप एज वेल एज एन टाइप। सभी को बच्चों यहां तक बात समझ में आई है, बताइए बेसिक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुए सभी को? यस। वैसे तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है, लेकिन कुछ और की पॉइंट्स हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रेशर, और कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप मुझे बताओ कि जब प्रेशर बढ़ाएंगे किसी भी कंपाउंड में तो एटम क्लोज जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे, हीट बढ़ाओगे, तो उस केस में बच्चों कंपाउंड क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे, जो एटम से वो दूर दूर चले जाएंगे, भाई हीट बढ़ेगी ना, एंट्रोपी बढ़ेगी, एटम्स दूर दूर जाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर कम, प्रेशर बढ़ाने पर तो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू बढ़ती है। ये सभी को बात समझ में आई? एग्जाम्पल समझो बच्चों, NaCl को मैंने बच्चों कन्वर्ट किया है CHCl के अंदर, तो बताओ NaCl को अगर मैं CHCl में कन्वर्ट करूंगा तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, इसका होता है 6:6, ये बच्चों होता है 8:8, 6:6 से 8:8 में कन्वर्ट करना है, बताओ किसको इंक्रीज करूँ, टेम्परेचर या प्रेशर, जल्दी बताओ मुझे, प्रेशर, बिल्कुल सही, प्रेशर बढ़ा देंगे बेटा तो 6:6 से 8:8 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 8:8 से बच्चों 6:6 में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, सभी को समझ में आ गया? यस।